नीमच केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो नीमच मंदसौर की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नीमच के इंडस्ट्री एरिया में स्थित सुबोध भंसाली गोदाम पर दबिश देकर जांच शुरू की है। वहीं कनौटी ग्राम समीप स्थित धीरेन्द्र इंटरप्राइजेस के गोदाम पर भी दबिश देकर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जांच कार्रवाई रविवार शाम से ही जारी है, लेकिन अभी तक किसी अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया है। उनका कहना है कि अभी जांच चल रही है। नारकोटिक्स टीम ने सुबोध भंसाली के गोदाम से छोटी दो मेटाडोर में कुछ माल भरकर जब्त किया है और साथ लेकर गए हैं। इस मामले में जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकी है। वहीं सूत्रों के अनुसार यह रेड पोस्ता किंग बाबू सिंधी उर्फ जय कुमार सबनानी से अवैध मादक पदार्थ के पकड़े जाने के बाद से ही हो रही है। वहीं इस मामले में तस्कर बाबू सिंधी का खास एमपी पुलिस का एक आरक्षक कांस्टेबल पंकज कुमावत निवासी नीमच, जो कि पूर्व में सीबीएन द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है, उसने रिमांड के दौरान किए खुलासे के बाद ही यह रेड हुई है। इस मामले में और अभी रेड डाली जा सकती है। आपको ज्ञात है कि मुख्य आरोपी बाबू सिंधी अभी जेल में है। निलंबित आरक्षक पंकज कुमावत के गिरफ्तार होने के बाद कई सफेदपोश भूमिगत भी हो गए हैं।